ऊपर से हम भर रहे। मंडी बहाउद्दीन में वजीर आजम इमरान खान 18 फरवरी को तारीखी जलसा करेंगे। फवाद चौधरी और एम एन ए हाजी इम्तियाज की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। आता है जब के कोई आपकी कमर में दर्द ना हो, अदम एतमाद तब आता है जब आप अपने पाँव पे खड़े हो। जब आपने 24 घंटे इधर उधर मिलते तरले करके साजिश करके करना हो तो फिर अदम एतमाद नहीं आना। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो अदम एतमाद है अभी तक तो वो तारीख ही नहीं दे पाए। अभी उन्होंने उस दिन अनाउंस कर दिया है कि हम अदम एतमाद, मैंने तो उसने नहीं चैलेंज किया था कि आप बाकी लंबी तारीख छोड़े, आप कल ही लेके आए। इन तीन दिलों में तेल नहीं है, इनसे अदम एतमाद ना हो। ना माने आप अपोजिशन की भी ना माने, आप एविडेंस देख लेंगे। मतलब ये जो मकसूद चपड़ासी है, ये इनका मिल में 25,000 रुपए पे मुलाजम है और इसके अकाउंट में 4,000 रुपए आ गए। इस तरह ज्यादा देखे, इनका बच्चा पैदा बाद में होता है, लंदन में वो अपार्टमेंट मेफेयर में बिलियन डॉलर का पहले ले लेते हैं। अब भी नवाज शरीफ की वहां पे जो वीडियोज आती है आप देखें, उनमें गाड़ियां देखें, उनके दफ्तर देखें, उनके बच्चे देखें, जिस तरीके से वो वहां पे रह रहे हैं कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की कौम जो है वो रोजाना इस दुख में सोती है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। ओकाड़ा में ओकाड़ा प्रीमियर लीग 2022 का आगाज हो गया। तकरीब के मेहमान खसूसी चौधरी असल रियाज ने टूर्नामेंट का बकायदा आगाज किया। मेहमान खसूसी चौधरी असल रियाज ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और ट्रॉफी की रोनमाई की। डीजी खान की कबायली इलाके राखी गाज में कमांडेंट मोहम्मद अकराम मलिक की हदायत पर SHO हबीब खान लगारी की कार्रवाई। बलोचिस्तान से पंजाब आने वाली लाखों रुपए मालियत की नॉन कस्टम गाड़ी पकड़ ली। लाखों रुपए मालियत का नॉन कस्टम गैर मुल्की सामान भी पकड़ लिया। SHO हबीब खान लगारी ने नजायद न्यूज से खसूसी गुफ्तगु करते हुए कहा कि गाड़ी और सामान कस्टम हकाम के हवाले किया जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमांडेंट साहब जनाब इकराम मलिक साहब की क्यादत में सरदार अब्दुल्ला खान जमींदार की ज़ेर निगरानी में मैंने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए एक कार जो कि बलूचिस्तान से पंजाब की तरफ आ रहा था रोक कर हसब जाबता चेक किया, जो कि नॉन कस्टम पेड पाया गया। कार को मुसम्मी मोहम्मद इदरीस क्वेटा से मुल्तान स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा था। कार की कीमत लाखों रुपये में बतलाई जाती है। दूसरी कार्रवाई में मुख्तलिफ गाड़ियों से नॉन कस्टम पेड अशिया जिसमें सिगरेट मुख्तलिफ अकसाम के फ्लेवर शापर टायर व दीगर नॉन कस्टम अशिया पकड़ लिया है जिसकी कीमत लाखों रुपए में बतलाई जाती है। नॉन कस्टम अशिया व कार को कानूनी प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद बाकायदा कस्टम हुकाम के हवाले किया जाएगा। कमांडेंट साहब जनाब इकराम मलिक साहब की क्यादत में ऐसी कार्रवाइयाँ इंशाल्लाह जारी रहेंगी। म्यानी में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स हलाक। म्यानी के नवाई गांव में मोहम्मद हयात डेरे से घर आ रहा था तो दो नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग कर दी जिससे वो मौके पर ही जान बहक हो गया। म्यानी पुलिस के मुताबिक कत्ल पुरानी दुश्मनी का शाख़साना लगता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर म्यानी मुंतकिल कर दिया और मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। नजायद न्यूज़ से फिर बस इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए नजायद न्यूज़। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।